यानी हम देखने वाले हैं किसी के बारे में जिनकी चाइल्डहुड डेज स्कूल डेज व्हेन दैट पर्सन वाज बोर्न हु वर द पेरेंट्स हु वर द फैमिली मेंबर्स उनके फ्रेंड्स कौन थे तब सिनारियों क्या था क्या सीखा उन्होंने ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन तो यहाँ हम क्योंकि पढ़ेंगे किसी के चाइल्ड के बारे में दैट्स वाई दिस कंप्लीट टाइटल इज़ वेरी एप्ट

राइट right? अब इस ही ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट लिया गया है जो कि है माय चाइल्डहुड इन वेज डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हैज टोल्ड अ लॉट अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज सो वी विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट दिस पर्सन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर तो ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ऑल्सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से इनका चाइल्डहुड आप देख सकते हैं दिस लिटिल बॉय किसी ने नहीं सोचा था कि दिस पर्सन वुड बी नोन

that time if you know nobody is like ki, haan, ye kuch extraordinary karega it doesn't mean ki, sach mein kuch karoge. if you have that passion to do something if you have that zeal to bring a change in the society to invent something to do something new then definitely no criteria defines that you can't do it clear so whether it's looks whether it's religion whether it's the society whether it, whether it's anything nothing can stop you from achieving something good if you are passionate and determined about it

अब्दुल कलाम जी की तो ये खुद ही बता रहे हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में तो देर इज नो ऑथर और समथिंग जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है वील डायरेक्टली सी बिफोर यू रीड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यानी कि आपकी बुक में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे एंड देन वील रीड द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी क्लियर ऑल सो बिफोर यू रीड

स्टेट्स मैन किसको कहते हो समवन हु इज अ स्किल्ड एक्सपीरियंस एंड रिस्पेक्टेड पोलिटिकल लीडर ऑफ फिगर कह सकते हो समवन हु इज अ पोलिटिकल फिगर उसे हम कहते हैं स्टेट्स मैन क्लियर तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि यू you नो know, एक पॉलिटिकल फिगर रह चुके हैं पॉलिटिक्स में भी थे उनके बारे में आपको पूछा गया है सो so ऑब्वियसली एक तो पर्सन खुद ही है जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर्स डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यू ऑल नो दैट इज अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट

एपीजे डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इन टू दी फर्स्ट सेंचुरी बीकेम आर इलेवेंथ प्रेसिडेंट इन टू थाउजेंड टू तो यहां बोला गया है कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं दी ग्रेट ए पी जे अब्दुल कलाम वो जो हैं उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो भी साइंटिफिक काम थे उनके वेदर इट इज़ रिलेटेड विथ स्पेस डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दीज आर सम थिंग्स जिन्होंने यू नो ट्वेंटी सेंचुरी में जो भी चीज़ों की जरूरत है इन्वेंशन की जरूरत है एक गाइड की तरह काम किया यानी दिस पर्सन डिड सो मेनी गुड इन्वेंशन जिसकी वजह से आज भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन वेदर इट्स स्पेस रिलेटेड डिफेंस रिलेटेड और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्लियर एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो बिकेम इलेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर इन द ईयर टू थाउजेंड टू तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए सॉर्ट ऑफ जनरल नॉलेज भी होगा एंड इट्स इंटरेस्टिंग सो आई डोंट थिंक आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी यू वुड बी डेफिनेटली यू नो इफ़ यू आर यू नो वो दैट मच इंटरेस्टेड टू नो अट दिस चैप्टर आपके दिमाग में बैठ गया होगा अभी तक कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है ही वॉज नॉट ओनली अल नोन साइंटिस्ट बट ऑल्सो इलेवंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही बिकेम प्रसिडेंट ऑफ इंडिया इन दर टू थाउजेंड टू इन हिज ऑटो बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्ड हुड तो ऑटो यानी कि सेल्फ बायोग्राफी यानी खुद की लाइफ के बारे में सो so, उन्होंने खुद ही अपनी बुक लिखी है उनकी चाइल्ड हुड हो उनकी यू you नो know, जो भी प्रेसिडेंट की तरह लाइफ थी जब साइंटिस्ट थे जो हायर स्टडीज हैं एवरी थिंग ही एज टोल्ड इन हिज बुक विच इज टाइटल्ड एज विंग्स ऑफ फायर और इस पूरी बुक में इस पूरी ऑटोबायोग्राफी में देर इज यू नो देर आर सम चैप्टर्स जो कि इनके चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं सो देर ए पी जे अब्दुल कलाम इज टॉकिंग अबाउट हिस् चाइल्ड हुड तो माई चाइल्ड हुड क्या हो गया कि ये जो है पूरी स्टोरी है फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी जिसमें वो अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे जब वो छोटे थे क्लियर सो आई होप अभी तक ये जो बिफोर यू रीड है सॉर्ट ऑफ एक इंट्रोडक्शन क्रिएट कर रहा है तो आपको पता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं डन ऑल राइट

तमिल फैमिली यानी कि ऐसा नहीं था कि बहुत पुअर फैमिली ऐसा भी नहीं था बहुत रिच लग्जूरियस फैमिली में पैदा हुए थे ही वॉज बॉर्न टू मिडिल क्लास फैमिली एंड दैट फैमिली वॉज अ तमिल फैमिली कहाँ पे पैदा हुए थे ये इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट इनका जो टाउन है जहाँ पे भी ये रहते थे वो जो है sort ऑफ of दूर था सिटी से एक बिल्कुल आइसोलेटेड सा लैंड था एंड दैट इज ऑफ रामेश्वरम और वो कहां पर है इन द अर्स्ट वाइल्ड मतलब फॉर्मर यानी कि जब अब्दुल कलाम जी पैदा हुए थे तब मद्रास कहा जाता था और अभी हम जानते हैं चेन्नई के नाम से इसको क्लियर तो ये जो है कहाँ पे बॉर्न हुए थे इन चेन्नई जहां पे रामेश्वरम नाम का एक टाउन है एक जगह है और वहां के एक आइलैंड टाउन में ये बॉर्न हुए थे माई फादर जैन आबद्दीन है मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ डिस्पाइट दीज डिस पोजेस्ट ग्रेट इन विजडम एंड अ ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट अब यहाँ पर नेक्स्ट किसकी बात करते हैं वो अपने फादर की जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है दैट इज जैन आबिदीन इसीलिए इनके जो नाम है ना ए पी जे उसमें उनके नाम फादर का नाम भी आता है दैट इज फ्रॉम जे क्लियर सो दैट इज जैन आब्दीन वो कौन है ही इज फादर ऑफ दिस

नॉट बिकॉज आप पढ़ना लिखना सीख जाते हो जॉब मिल जाती है नहीं बिकॉज वेन वी आर टेकिंग एजुकेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर भी ये चैप्टर पढ़ रहे हो उसका मतलब आप एजुकेट हो रहे हो तो यू आर यू नो लर्निंग अ लॉर्ड ऑफ लेसन आप अपने लाइफ लेसन सीखते हो आपको लोगों के बारे में पता चलता है दैट यू नो हाउ दीज वेन नोन पीपल सक्सेसफुल पीपल यू नो काइंड ऑफ हाउ वज़ द चाइल्ड हुड हाउ वॉज दर लाइफ किस तरीके से उन्होंने यू नो ट्रेवलिंग सिचुएशन फेस करते हुए आगे बढ़े हैं क्लियर तो हमें जो है ये चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती हैं दैट वॉट एग्जैक्टली सक्सेस हाउ यू नो ग्रेट थिंग्स कम वेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन्स तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं सो डेफिनेटली एजुकेशन होना इज एन एडवांटेज एंड ऑब्वियसली लैक ऑफ एजुकेशन इज अ डिस तो वही वो यहाँ पे बोलते हैं और ज्यादा वेल्थ भी नहीं थी ऑब्वियसली जितनी यू नो वेल्थ की जरूरत है पैसे की जरूरत है वो उतना हो तो अच्छी बात है जितनी की जरूरत है अगेन टेलिंग और नहीं होता है तो अगेन ये एक डिसएडवांटेज होता है बिकॉज फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हैं लाइफ में क्लियर तो यही कहते हैं यहाँ पर ए पी जे अब्दुल कलाम जी कि ऑल दो हिज फादर डिड नॉट हैड यू नो द फॉर्मल एजुकेशन नीदर ही हैड अ ऑफ वेल्थ बट Although these things were not there, despite these disadvantages, he possessed उनके पास क्या था great innate wisdom. Innate का मतलब क्या होता है Inborn, a quality of feeling in one's nature, यानी कि already होना पहले से खुद ब खुद natural. सो so, उनके पास जो एक नेचुरल विजडम थी ही हैड द एबिलिटी टू थिंक दैट इंटेलिजेंस दैट अंडरस्टैंडिंग वो उनमें ऑलरेडी थी ऐसा नहीं था एजुकेटेड नहीं थे तो समझ नहीं थी नहीं ही वॉज बॉर्न विद दैट इंटेलिजेंस विद दैट अंडरस्टैंडिंग एंड अ ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट ना वॉट डज दिस मीन्स हिज सोल सॉट टू हेल्प अदर्स हु वर नीडी यानी कि ही वॉज अ पर्सन हु वॉज अ जेनरस हु हैड दिस गिविंग एटीट्यूड क्लियर तो जिनके पास यू नो ये जो गिविंग एटीट्यूड होता है जो सेल्फलेस होते हैं उन्हें आप बोलते हो कि वो क्या है? हैं जेनरस हैं यानी यहाँ पर ये अपने फादर के बारे में ये बोल रहे हैं कि ऑल्दो वो एजुकेटेड नहीं थे ऑल उनके पास इतनी वेल्थ नहीं थी फिर भी ही वॉज अ पर्सन हु हैड यू नो इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजडम फ्रॉम द टाइम ही वॉज बॉर्न दैट वॉज ए नेट एंड ऑल्सो सेकेंडली ही वॉज अ पर्सन जो कि एक गिवर थे यानी कि वो एक जेनरस पर्सन काइंड हेल्पफुल पर्सन थे क्लियर तो ये उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं कि, कि किस तरीके से यू you नो know, उनके फादर जो हैं वो इतने अच्छे इंसान थे डन ऑल राइट ही हैड एन आइडियल हेल्प मेट इन माई मदर आशियाम्मा अब यहाँ पर वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ए पीजे अब्दुल कलाम्स मदर हुज नेम वॉज आशियाम्मा तो वो बोलते हैं कि उनके फादर जो हैं जैन उलाब्दीन ही हैड एन आइडियल हेल्प मेट इन माई मदर यानी अब्दुल कलाम की जो मम्मा थी डैट इज आशियाम्मा वो एक आइडियल हेल्प मेट थी यानी कि हमेशा शी उटैंड विथ हर हजबेंड हमेशा उनको हेल्प करती थी एंड शी वॉज अ नाइस पर्सन I do not recall the exact number of people she fed every day. यानी yani कि it was not like she used to just cook food for her family, अपने बच्चों को ही खाना खिलाना, अपने हसबैंड को ही खाना खिलाना, नहीं. She used to give, you know, food to other people too. और इतने लोगों को उन्होंने, you know, खाना खिलाया है कि this thing, Abdul Karim जो है, वो recall भी नहीं कर पा रही. He's not able to think about it that, you know, how many people her, his mother has fed. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट बिताज देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आर ओन फैमिली पुट टुगेदर यानी कि यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि अगर इनकी फैमिली के सारे लोगों को मिला लें तो उससे ज्यादा लोग जो हैं वो आउटसाइडर्स यानी कि उन जो फैमिली में नहीं थे उनसे ज्यादा आउटसाइडर्स को उनकी मदद जो है वो रोज खाना खिलाती थी यानी दिस इज समथिंग वेरी बिग लिखा भी है दे डिड नॉट दैट मच वेल्थ इतने भी रिच नहीं थे बट फिर भी ये एटीट्यूड होना दिस इज समथिंग जो कि बहुत कम देखने को मिलता है एंड इट्स वेरी ग्रेट दैट इज कि वो क्या करती थी वो जो है खुद की फैमिली मेंबर्स को जितना खाना खिला रहे हैं यानी खुद की फैमिली मेंबर्स जितना जितने लोग हैं उससे कई ज्यादा बाहर के लोगों को वो डेली खाना खिलाती थी एंड दिस टेंस कि वो कितनी यू नो काइंड थी कितनी जेनरस थी सो बोथ पेरेंट्स ऑफ ए पीजे अब्दुल कलाम दैट इज हिज फादर जैनुल उबद्दीन एंड हिज मदर अम्मा बोथ ऑफ देम वर वेरी जेनरस सोल्स क्लियर ऑल राइट I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. अब यहाँ अब्दुल कलाम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि I was one of many children, यानी इनके जितने भी भाई बहन थे उनमें से एक कौन थे अब्दुल कलाम जी A short boy with rather undistinguished looks. तो वो short boy क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उनकी height जो है वो इतनी बड़ी नहीं थी He was not tall, he was a short-heighted person. विथ राधा अनडिस्टिंग्विश्ड अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है ऑर्डिनरी और कॉमन यानी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स नहीं थे उनके बहुत नॉर्मल दिखते थे वो जैसे कि कॉमन पर्सन दिखता है सो ही हैड दो ऑर्डिनरी लुक्स बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स क्यों बता रहे वो ये बिकॉज उनके पेरेंट्स जो है वो टॉल थे उनकी बहुत अच्छी हाइट थी बट ये क्या थे ये शॉर्ट हाइटेड थे एंड हैंडसम पेरेंट्स और इनके दोनों फादर और मदर एज बी सो दोनों ही क्या थे बहुत गुड लुकिंग थे बहुत अच्छे दिखते थे बट ये कैसे थे ऑर्डनरी लुक्स वाले थे सो ही इज लाइक कि आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जहां पर पे मेरे पेरेंट्स टॉल भी हैं और वो गुड लुकिंग भी थे बट आई वॉज ऑपोजिट ऑफ दैट ऑन द कॉन्ट्री आई वॉज शॉर्ट हाइटेड पर्सन एंड आई हैड नॉर्मल ऑर्डनरी लुक्स वी लिव इन आर एनसेस्टरल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी कहाँ रहते थे वो लोग इन हिज इनसेस्टर मतलब कि जो पहले की जनरेशन है उनका घर फॉर एग्जाम्पल उनके ग्रैंड फादर्स ग्रेट ग्रैंड फादर्स इनका कोई का घर होगा उसे कहते हो एंसिस्टर घर विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी कब बनाया गया था ये घर नाइनटीन सेंचुरी के बिल्कुल मिड में ये घर को बिल्ट किया गया था इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक और इनका घर जो था वो क्या था वो पक्का हाउस था कच्चा हाउस नहीं कच्चा हाउस क्या होता है जो यू you नो know, बिल्कुल ब्रेक हो जाए नॉर्मल यू नो हस्क वगैरह वगैरह ब्रिक्स वगेरा इन सब से बनता है जो कि नॉर्मल इतना ज्यादा बोल सकते हो टेम्प्ररी होता है परमानेंट नहीं होता अच्छी यू नो उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती बट पक्का हाउस क्या होता है जैसे हम रहते हैं यू you नो know, पक्के घर में उसे कहते हैं पक्का हाउस इट मीन जो घर है वो लाइम और ब्रिक्स से बना हुआ है

आपको बताते हैं कि हाउ ही नो इन उनके जो तो घर है वेर ही स्टेड उसके बारे में ये पूरा डिस्क्रिप्शन है क्लियर ऑल राइट माई ऑस्टेर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल एंड लग्जरीज ऑस्टेयर का मतलब क्या होता है जो स्ट्रिक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं यानी वेरी पर्टिकुलर डिसिप्लिन उन्हें कहते हैं ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया मीन सिंपल स्ट्रिक्ट एंड सीवियर सो अब्दुल कलाम के जो फादर हैं वो बिल्कुल डिसिप्लिन सिंपल स्ट्रिक्ट पर्सन थे एंड ही यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज यानी जो बेसिक नीड्स हैं वो ठीक है बट इसके अलावा जो लग्जरीज होती हैं जो कंफर्ट्स होते हैं यू you नो know, वो हमेशा वो अवॉइड करते थे यानी ही ऑलवेज गेव द बेसिक नेसेसिटीज़ बेसिक नीड्स जो भी हैं वो फुलफ़िल करते थे सबकी बट ये जो कंफर्ट्स होते हैं जो लग्जरीज होती हैं वो सब चीज़ों को उन्होंने हमेशा अवॉइड किया है हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लोथ्स बट इसका मतलब ये नहीं है कि हिज फादर यू नो नेवर गेव देम द रिक्वायर्ड थिंग्स नहीं वेदर इट वॉज इन टर्म्स ऑफ फूड खाना क्या है बेसिक नीड है मेडिसिन जब बीमार है ऑब्वियसली मेडिसिन तो चाहिए एंड ऑल्सो क्लोथ यानी बेसिकली अपने आप को कवर करने के लिए जो कपड़े हैं डीज थ्री थिंग्स बोल लीजिए तो इन तरीके की जो भी बेसिक नीड्स हैं वो वो हमेशा फुलफिल करते थे बट जो ज़रूरत नहीं है इन असेंशियल नेसेसिटीज़ हैं इन असेंशियल बोल सकते हो कम्फर्ट हैं लग्जरीज हैं he always avoided it and always gave them the basic things for survival. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. kya क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब्दुल कलाम जी बोलते हैं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो चाइल्डहुड था वह सिक्योर था यानी सेफ था दे वॉज नथिंग लाइक आई एम लाइक रिग्रेटिंग और आई वॉज नॉट हैपी अबाउट माई चाइल्ड हुड ही गॉड द बेसिक थिंग्स जो कि हर किसी को एक अच्छे यू you नो know, बहुत अच्छे से कंफर्टेबली जीने के लिए जो चाहिए एक बेसिक सर्वाइवल जो है इट वॉज ऑलवेज देर इन ए पीजे अब्दुल कलाम चाइल्ड हुड सो ही सेज माई चाइल्ड हुड वॉज सेफ एंड सिक्योर बोथ इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक चीज़ें बोल लीजिए और इमोशनली बोल लीजिए मटीरियली मीन्स इन टर्म्स ऑफ थिंग्स लाइक क्लोथ्स फूड एंड मेडिसिन ये सब मटेरियल है राइट तो इन टर्म्स में बोल लीजिए कि बेसिक जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट्स है दैट वॉज ऑलवेज गिवन टू हिम एंड ऑल्सो इमोशनली यानी कि जो एक लव अफेक्शन जो एक इमोशनल सेंटीमेंट्स हैं उस तरीके की जो क्वालिटीज हैं उनमें भी उनका चाइल्डहुड जो है वो बहुत सिक्योर्ड और सेफ था इट मीन वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 थर्टी नाइन वेन आई वॉज एट ईयर्स ओल्ड यहां पे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट यानी विज्ञान हो गया था क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर और तब वो कितने साल के थे आठ साल के सो इफ वी द ईयर जब वो आठ साल के थे इसका मतलब वो आठ साल पहले यानी नाइनटीन थर्टी वन में बॉर्न हुए होंगे क्लियर सो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि नाइनटीन थर्टी नाइन में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ था

सडनली इप्टेड इन द मार्केट एकदम से यू नो राइज हो गया एकदम से बाहर sort of, you know, आने लगी ये डिमांड की क्या चाहिए टैमरिन सीड्सिन so, क्या होता है काइंड ऑफ रूट जिसे आप इमली कहते हो क्लियर सो so, ये बोलते हैं कि जब वो एट ईयर्स के थे दैट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट इन दर नाइनटीन थर्टी नाइन एंड दट टाइम ही इज नॉट अवेर की क्यों टैमरेंट सीड्स की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी अब वो क्यों बता रहे हैं अब रीड इट I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. क्योंकि वो क्या करते थे Because suddenly demand बढ़ गई थी किसकी tamarind seeds की तो he used to go and collect these seeds और फिर इसको वो बेच के आते थे sell करते थे कहाँ पर To a provision shop on Mosque Street. Provision क्या होती है Sort of जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती है general store कह सकते हो तो वहाँ पर जाके ये ये tamarind seeds को sell किया करते थे A day's collection would fetch me the princely sum of one

वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस और फिर वो क्या करते थे उसके बाद वो ये जो यू नो न्यूज है उसको ट्रेस करने की ढूंढने की कोशिश करते थे यूज टू फाइंड आउट दीज न्यूज इन द लेडलाइंस इन दिना मनी दिना मनी क्या है एक न्यूज पेपर का नाम है कैसे पता है क्योंकि हेडलाइंस बोली हैं हेडलाइंस काय में होती है न्यूज पेपर में तो वो बोल रहे हैं जब मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे डिफरेंट स्टोरीज बताते थे अबाउट द वॉर तो मैं ये स्टोरीज को जो है ढूंढने की कोशिश करता था किस में न्यूज पेपर में जिसका नाम क्या है Dina Mani. So Dina Mani is a Tamil daily news paper. Our area being isolated was completely unaffected by the war because अभी war का time था but इसकी वजह से इतना ज़्यादा effect नहीं पड़ा था इनकी जगह पे क्यों? क्योंकि इनका area जो था वो isolated था यानी yani it was far from the mainland. Isolate means lonely, cut off यानी yani कि अलग बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे लैंड के टर्म्स में बात की गई है सो इट वाज अ लैंड जहाँ पे भी ये रहते थे वो जो है आउट ऑफ जो ये मेन लैंड है जहाँ पे वॉर का इम्पैक्ट पड़ सकता था उससे बहुत दूर था तो वहाँ तक ये जो वर्ल्ड वॉर है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एडिड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर बट जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब एकदम से क्या हुआ सडनली जो इंडिया है इट वॉज फोर्सडिलोर्सिडोर्समी फोर्स होती है स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर आप सबको पता होगा क्या होता है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है एमरजेंसी में जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी ले ली जाती है फ्रॉम नॉर्मल पीपल सॉर्ट ऑफ करफ्यू स्टेट ऑफ एमरजेंसी तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं वो कि भले ही सेकेंड वर्ल्ड का इतना इम्पैक्ट नहीं बिकॉज़ हिस प्लेस वॉज साइंड ऑफ यू नो अवे फ्रॉम द मेन लैंड इट वॉज आइसोलेटेड लैंड बट देन टू यू नो ऑल सडन क्या हुआ था इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन दोर्सेज एंड देर वॉज अ स्टेट और देर यू नो दिस एमरजेंसी डिक्लेयर क्लियर ऑल राइट फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन अब सबसे पहला इम्पैक्ट जो देखने को मिला है ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर दैट वॉज की दिस कैजुअलिटी यानी लॉस एक तरीके का लॉस होने लगा था एंड दैट वॉज इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन सस्पेंशन मतलब होता है एंड खारिज कर देना बंद कर देना ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन हॉल्ट का मतलब क्या होता है एक जो ब्रेक लगता है वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन और अगर आप चेक करते हो स्टेटस ऑफ द ट्रेन तो हॉल्ट स्टेशन देखते हैं यानी यहां यहां पे ट्रेन जो है वो रुकेगी तो हॉल्ट का मतलब होता है टू स्टॉप क्लियर So, तो जो सबसे पहला लॉस है सबसे पहली कैजुअलिटी देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर दैट वॉज कि सस्पेंशन यानी स्टॉप कर दिया गया था ट्रेन का रुकना कहाँ पर रामेश्वरम स्टेशन पे यानी जहाँ पे ये स्टे करते थे एट दैट स्टेशन द ट्रेन वॉज नॉट अलाउड टू स्टॉप नाउ इट वुड नॉट स्टॉप एट दस स्टेशन

फेंक दिए जाते थे बाहर फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड जो भी रोड होता था रामेश्वरम का वहाँ पर यू you नो know, बंडल बनाकर न्यूज पेपर्स को बाहर फेंक दिया जाता था बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी अब ये क्या होंगे डिफरेंट जो स्टेशन है उनकी बात हो रही है यानी रामेश्वरम से धनुष जो है इसके बीच का जितना भी रास्ता है तब तक ये मूविंग ट्रेन से जो बंडल बनाकर न्यूज पेपर को थ्रो किया जाता है सो दैट द पीपल ऑफ रामेश्वर कैन गेट दीज न्यूज पेपर टू रीड एंड दिस इज समिंग जो कि यू नो एक फर्स्ट कैजुअलिटी या फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन दिस प्लेस क्लियर ऑल राइट दैट फोर्ड माई कजिन अब आपको ये सारे नाम ध्यान में रखने हैं फादर जैन उलाब्दीन मदर आशियान ब्रदर इन लॉन एंड देन देर इज दिस कजिन क्लियर तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है तो इनके जो कजिन है जिसका नाम है शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट तो ये क्या हुआ ना इनके जो कजिन थे वो क्या करते थे न्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे रामेश्वरम में और बिकॉज अब यहाँ पे रुकेगी नहीं ट्रेन तो सॉर्ट ऑफ दिस हिज कजन टू फाइंड समवन जो कि ये न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने में उनकी मदद करेगा ऑब्वियसली पूरी मूविंग ट्रेन है हर जगह बंडल्स फेंके जाएंगे तो जल्दी जल्दी कलेक्ट करने के लिए एक इंसान की बस की बात नहीं है ही वुड नीड एल्स राइट सो ही रिक्वायर्ड अ हेल्पिंग हैंड अ पर्सन हु वुड हेल्प हिम विद दिस टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट और नेचुरली बोल रहे हैं फिट इन टू अ प्लेस इजिली यानी कि क्योंकि वो उनके कजिन थे तो बहुत इजिल जो है वो इस स्लॉट को फिल कर रहे हैं यानी कि ही वॉज द वन जो कि हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं अपने कजिन के क्लियर क्योंकि दिस वॉज दी पर्सन जो कि कजन भी थे उनके सॉर्ट ऑफ फ्री भी थे तो ये एक नेचुरली हो गया कि बहुत यू नो इनको पूछा गया और ही बिकेम दी पर्सन जो कि उनकी हेल्प करने लगे समशुद हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस एंड ऑब्वियसली ही वुड नॉट डू दिस फॉर फ्री इसके बदले उनको पैसे मिलते थे तो उनके जो कजिन हैं वो उनको क्या देते थे पैसे देते थे एंड दिस काइंड ऑफ हेल्प हिम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस क्लियर हाफ अ सेंचुरी लेटर सेंचुरी का मतलब क्या होता है हंड्रेड ईयर्स हाफ अ सेंचुरी यानी फिफ्टी ईयर्स लेटर यानी कि फिफ्टी ईयर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर ये जब वो लिख रहे हैं इंसिडेंट यू नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पचास साल बाद की बात हो रही है यानी कि ये जब यू नो अपने ये फर्स्ट वेजेस कलेक्ट कर रहे हैं या फिर ही वॉज एबल टू अर्न हिज फर्स्ट इनकम जस्ट यू नो आफ्टर जस्ट यू नो कलेक्टिंग दी बंडल्स और कौन दे रहा था उनको उनके कजिन दे रहे थे तो ये पूरा जो इंसिडेंट वो बता रहे हैं आफ्टर फिफ्टी ईयर्स वो बोलते हैं आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड सर्ज यानी कि वो एक यू नो आउट आना वो जो एक फील होता है एकदम से राइज होना किसी फील का तो वो हो गया सर्ज ऑफ प्राइड यानी ही फील्स दैट प्राइड प्राइड यहाँ पॉजिटिवली यानी उनको अपने ऊपर गर्व है और वो फीलिंग जो है उनके अंदर आती है अभी भी सिमिलर वे में जैसे कि उनको तब फील हुआ था इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि वो खुद के लिए पैसे खुद से जो है फर्स्ट टाइम जो पैसे कमा रहे थे उसकी जो फीलिंग होती है वो उनको आज भी उसी तरीके से फील होता है दिस इज समथिंग जो हर किसी के साथ होता है राइट right? जब हम सबसे पहले अपनी इनकम करते हैं खुद की मेहनत से तो उसकी बात ही अलग होती है राइट right? जब फर्स्ट सैलरी हमको मिलती है वो जो खुशी मिलती है ना फिर आप बाद में कितने भी लाखों करोड़ों कमा लो वो खुशी नहीं मिलती जितनी उस फर्स्ट इनकम से मिलती है राइट right? सेम चीज़ यहाँ अब्दुल कलाम जी बोलते हैं दैट वेन एवर आई थिंक अबाउट दिस इंसिडेंट दैट आई अर्न माई फर्स्ट वेजेस आई ऑलवेज फील प्राउड एंड देयर इज दिस फीलिंग ऑफ प्राइड यू नो कि जो सॉर्ट ऑफ राइज होती है मेरे अंदर क्लियर ऑल राइट Every child is born with some inherent characteristics.

इन अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक अब एक सोशल और इकोनॉमिकल जो स्टेटस होता है वो डिफरेंट होगा हर एक चाइल्ड का राइट right? किसी किसी के घर का सोशल सीनारियो इकोनॉमिक सीनारियो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दी अदर चाइल्ड एंड इमोशनल इन्वायरमेंट और जो फीलिंग्स जो सेंटिमेंट्स जो भी होता है वो भी डिफर करता है फ्रॉम हाउस टू हाउस तो यहाँ पर हर एक जो बच्चा है ऑब्वियसली एक चीज़ कॉमन है कि वो कुछ इन्हेरिटेड कैरेक्टरस्टिक्स के साथ बॉर्न होते हैं बट इन टू अ स्पेसिफिक यानी कि इट्स रिलेटेड विद यू नो वि

यू you नो know, हमारे जो ग्रैंड फादर्स बोल सकते हो ग्रैंड मदर बोल सकते हो यानी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए सो so, ये सब क्या हो जाते हैं फिगर्स ऑफ अथॉरिटी हो जाते हैं यानी कि ये हम लोग कुछ चीज़ें सिखाते हैं यू नो टेल टेलास दे केन गिव अस ऑर्डर टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि हर एक जो है जो भी चाइल्ड होता है ही इज़ बॉर्न इन टू अ स्पेसिफिक यू नो सोशो इकोनॉमिक यानी वेल्थ रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर जिस तरीके भी फाइनेंशियल स्टेटस है इमोशनली जो भी क्वालिटीज हैं सेंटिमेंट्स हैं फीलिंग्स हैं हर घर में वो डिफर करती हैं एंड ऑल्सो ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी और जो भी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो सॉट sort ऑफ of जो है ना सिखाते हैं डिफरेंट वेज में हर एक बच्चे को डिफरेंट चीजें तो ये जो है हर एक घर में होता है यानी पेरेंटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चे जो हैं बहुत सी चीज़ें उन्हीं से

आई इन्ेरिटेड ऑनिस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्राम माई फादर सिमिलरली ए पीजे अब्दुल कलाम लाइक एनी अदर चाइल्ड ऑल्सो इन्ेरिटेड सर्टन क्वालिटीज फ्राम हिज पेरेंट्स क्योंकि उनके फादर माधर बोथ आर वेरी नाइस ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इन द बिगिनिंग तो इसीलिए उन्होंने अपने फादर से और अपने मदर से कुछ ना कुछ कैरेक्टरस्टिक्स जो है वो इहेरिट किए हैं जैसे ही सेज़ आई इन्ेरिटेड दैट इज अरेक्टरस्टिक और अ क्वालिटी विच यू हैव गॉट फ्राम योर पेरेंट्स और एंड सिस्टर्स सो ही गॉट दीज क्वालिटीज फ्राम हिज पेरेंट्स नंबर वन उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अपने पापा से सीखा है यानी कि हमेशा ही वुड ऑनेस्ट इन एनी कंडीशन कभी भी उन्होंने किसी को चीट नहीं किया झूठ नहीं बोला सो दिस इज समथिंग जो किससे सीखे हैं अपने फादर से सिमिलरली सेल्फ डिसिप्लिन एज बी नो बोला है ना क्योंकि फादर स्ट्रिक्ट है सिंपल हैं सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है ही हैजलवेज इग्नोर्ड दग्जरीज और इन असेंशियल कम्फर्ट तो ये क्या बताता है ही वॉज अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन तो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है अब्दुल कलाम जी ने वो अपने फादर से सीखी

फेथ रखना विश्वास रखना वो अपनी मदर से सीखा उन्होंने एंड ऑल्सो डीप काइंडनेस सिर्फ काइंडनेस नहीं बल्कि डीप काइंडनेस इमेजिन अ पर्सन जो कि अपने घर पे जितने मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा तो आउटसाइडर उसको रोज़ खाना खिला दे मीन्स वो कितनी ज्यादा काइंड होंगी राइट right? अब्दुल कलाम जी की मदर सिमिलरली जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने भी अपनी मदर से ये डीप काइंडनेस की क्वालिटी इनहेरिट की एंड सिमिलरली वो बोलते हैं माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी जो उनके सिबलिंग्स थे भाई बहन थे उन्होंने भी यही चीजें सीखी ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम देर फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम दर मदर क्लियर सो दीज आर वेरी गुड वर्ड जो कि हमको यहाँ देखने को मिलते हैं वाई अब्दुल कलाम जी इज नोन सो मच नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज ए इंटेलिजेंट पर्सन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इज काइंडनेस हिट्स गुड नेचर अगर कभी कोई मिला हो उनसे यू you नो know, कभी उनकी कोई स्पीच देखी हो इंटरव्यू देखी हो ही लव्ड चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन लव्ड हिम अलॉड बिकॉज उनका जो नेचर था जो गुडनेस थी दैट वॉर समथिंग जो कि बहुत ओवरवेलमिंग थी तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है कि ही गॉट टू लर्न दीज थिंग्स फ्राम हिज पेरेंट्स फ्राम हिज मदर एंड फादर तो ये चीज़ जो है बहुत हम थैंकफुल कह सकते हैं टू हिज पेरेंटिंग कितनी ब्यूटिफुल रेस किया गया है इन सच अ गुड इन्वायरमेंट क्लियर ऑल रेट ाइल्ड हुई रामनाथा शास्त्री अरविंदन एंड शिव प्रकाशन तो तीन लोग थे कौन कौन से रामनाधा अरविंदन एंड शिव प्रकाशन जो उनके तीनों फ्रेंड्स थे यू शुड रिमेम्बर दीज नेम्स ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज अब्दुल कलाम जी वॉज अ मुस्लिम और इनके बाकी के जो तीन फ्रेंड्स हैं वो किसको बिलोंग करते थे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज को यानी ब्राह्मण्स थे ये और ऑर्थोडॉक्स यानी कि स्ट्रिक्ट जो महद यू नो ये जो पुराने रीति रिवाज हैं उन सब में बहुत मानते हों उन्हें कहते हैं ऑर्थोडॉक्स लिया तो उनके तीनों ही फ्रेंड्स जो थे वो कौन थे हिंदू थे और ये बिलोंग करते थे टू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ड आर सेल्स बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू you नो know, जब हम पढ़ते हैं मुस्लिम हिंदू तो शॉर्ट sort ऑफ of ऐसा लगता है मे बी यहाँ पर ये इसलिए बताया गया कि कुछ डिफरेंस बताने वाले नहीं बहुत अच्छी बात क्या थी कि अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब हम छोटे थे हम लोगों ने कभी भी वो डिफ्रेंस फील ही नहीं किया कि मैं मुस्लिम हूँ मेरी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है हमारे यहाँ अप्रिंगिंग इन द सेंस उनका अलग तरीका है रहन सहन यू नो घर पर जो फॉलो होते हैं रूल्स वो डिफरेंट हैं सिमिलरली जो ब्राह्मण

वहां के जो पंडित जी थे जो प्रीस थे उन्हीं के बेटे कौन थे रामनंदन शास्त्री यानी वहां के जो प्रीस थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री यानी कि पंडित यू you नो know, रामेश्वर टेम्पल के उन्हीं के बेटे कौन थे राम शास्त्री जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे किसके ए पी जे अब्दुल कलाम जी के लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर फिर डिफरेंट डिफरेंट जिनके फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया बाद में इन्होंने ही ये जो प्रीस्टहुड था ये जो यू नो मंदिर का ध्यान रखना पूजा करना ये जो पूरी पंडित जी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके जो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी जो है उन्हीं ने ले ली यानी कि अब्दुल कलाम जी के फ्रेंड रामरधन शास्त्री ने अपनी शोल्डर्स पे ले ली सो दिस वाज समथिंग जो कि वो करने लगे थे अरविंदन वेंट इन टू द बिजनेस ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स और जो अरविंदन इनके दोस्त है वो किस में चले गए वो एक बिजनेस में चले गए जहां पर लोगों को जब यू you नो know, तीर्थ यात्रा के लिए पिलग्रिम्स के लिए जाना होता है तो वहां का जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट है वो ये किया करते थे एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साधन रेलवे और सदन रेलवे में जो भी केटरिंग खाने वगैरह का जो भी होता था उस डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर कौन बन गया शिव प्रकाशन तो हर एक जो है कुछ ना कुछ बन गया ऑब्वियसली अब्दुल कलाम जी के बारे में हम जानते हैं सिमिलरली well इनके जो फ्रेंड थे रामाधन शास्त्री ही टू कोवर द प्लीस्ट हिज फादर एंड हिज फ्रेंड अरविंदम जस्ट वेंट इन टू द अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द पीपल हु कॉन्ट्रैक्टर

ऑल्सो वर्ल्ड वॉर से क्या इम्पैक्ट पड़ा था किस तरीके से उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेस जो हैं वो अर्न की थी एंड हाउ डज़ ही फील अबाउट इट इवन इफ़ ही थिंक्स अबाउट दैट फिफ्टी ईयर्स यू नो हो चुके हैं उस इंसिडेंट को फिर भी जब भी वो सोचते हैं इस बारे में तो उनके दिमाग में क्या फील आती है वो जो प्राइड वाली फीलिंग है वो आ जाती है उनके अंदर एंड ऑल्सो उनके कौन से तीन क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो फ्रेंड्स जो हैं अब क्या करते हैं यानी कि लेटर उन्होंने क्या प्रोफेशन चूज़ किए उसके बारे में अब्दुल कलाम जी ने हमें बताया एंड इन थ्रू आउट दिस स्टोरी जो पार्ट वन है

न थिंग दैट इज वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल जो हम देखते हैं वो क्या है कि किस तरीके से इनकी जो फ्रेंड्स है वो दूफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते थे ये डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते थे बट कभी भी ये डिफरेंसेज है इन लोगों ने फील नहीं किए देवर ऑल वन एंड टूगेदर सो दिस इज समिंग जो ब्यूटिफुल देखते हैं पूरी स्टोरी में नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी यानी कि जो रिमेनिंग स्टोरी है इनकी ये डिफरेंट इंसिडेंटिस बताने वाले हैं कि क्या हुआ था इनके क्लास रूम में इनके टीचर का एक इंसिडेंट बताएंगे ये एट द एंड वो हमें क्या सिखाना चाहते

की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय